राम ने उठाया शिवी पर हाथ। जी हाँ, राम को आया इतना ज्यादा गुस्सा कि वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया और उसका हाथ उठने लगा शिवी पर, जिसे देखकर शुभ हुआ शॉक। बुरी बातों की कोई जगह ही नहीं है, बात ही नहीं करनी चाहिए। बारे में बात कर रहे हैं हम, छोड़ दो ना पास को। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। और राम को कहा कि आखिर दिखा ही दिया तुमने अपना सौतेला व्यवहार। दिखा दिया राम ने। No, you're not. अगर हम आपकी जगह होते ना और हम देखते कि आपको इतनी तकलीफ हो रही है इस केस से, हम कॉलेज के छुटकारा कर देते। नहीं, आप ये नहीं करेंगे। पता क्यों? क्योंकि हम आपके सोते रहे, इसलिए आप हमें सजा मानते ही नहीं है, कभी नहीं मानते। तो यहाँ सीन ये हो रहा है कि हमें पता चल रहा है कि कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो हमारे राम भाई हैं वो इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं कि हमारे डैडी के साथ क्या हुआ। जो हम जो जैसे शिवी और ये सौतेले हैं, जैसे आप लोगों को पता है, इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज द वे वो लोग बिगड़े हुए हैं, वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, बचपन में देखा था। लेकिन ये राम भाई को बहुत अफेक्ट करती हैं चीज़ें। तो ये चीज़ें हम लोग डार्क में हैं और हमको पता नहीं कि हमारे पीठ पीछे चीज़ें बोली जा रही हैं और चीज़ें हो रही हैं, फैमिली इन्वॉल्व हो रही है और हम लोग इन्वॉल्व नहीं हैं। तो यही चीज़ सब भड़ास निकल रही है लंच पे। लंच खाया नहीं जा रहा है लेकिन सुनाया जा रहा है। वेल, सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं। टू में चल रहा है फैमिली ड्रामा, जहां पर शिवी अपनी चूड़ा रसम को लेकर काफी एक्साइटेड है। लेकिन तभी वहां मैथिली अपने पति के साथ आती है। मैथिली का पति राम से कहता है कि क्रिश को सभी के बैंक के अकाउंट्स डिटेल चाहिए। शुभ पूछता है कि ऐसा क्या हो गया है। और तभी राम बताता है कि उसे लगता है कि उसके पापा का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ था। उसका मानना यह है कि डैड के केस में कुछ ऐसी चीजें उभर कर आई हैं, हाइलाइटेड अफ्यू थिंग्स जो शायद हमने मिस कर दी। शिवी कहती है कि जिसे जाना था वो चला गया। तो वापस नहीं आएंगे। वैसे भी हर किसी के मरने का टाइम होता है, सबसे पहले उनका नंबर आ गया तो क्या करें, मर गए वो बाहर में। इसी बात को लेकर सबकी आपस में कहा सुनी हो जाती है और इसी पर राम को आता है गुस्सा, जिसके बाद वो शिवी पे हाथ उठाने वाला होता है। शिवी और शुभू को लगता है कि राम हमसे प्यार नहीं करता है और इसीलिए वो ये सब कर रहा है। शुभू गुस्से में शिवी और अपनी माँ को साथ में लेकर चला जाता है और तभी राम डिसाइड करता है कि वो अपने पापा के केस को रीओपन ही नहीं करेगा, क्योंकि वो सबको दुखी नहीं देख सकता है। अभी इंटरेस्टिंग ये आने वाला है कि हम लोग अभी शुभम अक्षय के साथ काम करना शुरू कर दिया, उनकी बॉन्डिंग शुरू हो गई है बिकॉज ही इज़ हियर और हम लोग ने अपना बिजनेस शुरू किया। और तो ये ट्रैक के हिसाब से नाउ बिकॉज मेरी भाभी शी इज़ द फाइनेंशियल दिस थिंग अथॉरिटी इन माय कंपनी, तो मेरे उनके साथ सीन होने वाले हैं बिकॉज ये टिफिन होने वाली है, पैसे लेना पैसा देना, तो ये सब चीज़ें होने वाली हैं। अभी ये बिज़नेस के अंदर हम लोग जाने वाले हैं थोड़े, एंड यही बात है जो अभी जो सौतेला होने का जो चीज़ें अभी बाहर निकली हैं, ये शायद मुझे और शिविरा को ज़्यादा इफेक्ट करे। हम जो ज़्यादा एक साथ हो जाएं अगेंस्ट राम भाई, एंड प्रिया इज देयर सपोर्ट, शिविरा विल बी लाइक टुगेदर, वी विल बी डूइंग थिंग्स टुगेदर। तो ये चीज़ें ट्रैक्स खुलने वाले हैं, अभी देखते रहेंगे, देखते क्या होता है आगे। लास्ट फैन से हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमेशा से कहते आए हैं, प्लीज़ हमको देखते रहिए मंडे टू फ्राइडे 8 बजे, बड़े अच्छे लगते हैं। और ट्रस्ट मी, आप लोग की जो प्यार है और ये जो आप हमें जो देखते हैं, वी आर रियली मोटिवेटेड कि इसी वजह से ये जो ट्रैक्स चलते हैं ये सब आपकी वजह से ही होता है। तो प्लीज़ अप्रिशिएट इट, प्लीज़ TRP बढ़ाते रहिए। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर आर शो, सारों के लिए, कास्ट एंड क्रू सारे मेहनत करें। आप देख सकते हैं यहाँ सारे लगे पड़े हैं, एंड या प्लीज़ स्माइल एंड बी हैप्पी। अपने फैमिली के साथ प्लीज़ मत झगड़िए, दैट्स माई प्लीज़ नेवर, दे आर द ओनली वंस विल बी विथ यू ऑलवेज। सो साइनिंग ऑफ, शुभम कपूर, थैंक यू। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इस केस के रीओपन होने में कुछ राज छुपा है? क्या सच में ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है?